जैसे संजय राउत की बात कर लो, बहुत बोलता है, बहुत ड्रामे करता है, हंकारी है एक नंबर का, शिवसेना का लीडर, इसकी जब शक्ल देखते हैं ना तो जब भी मुझे दाऊद इब्राहिम लगता है। मैं तो नहीं करता, मैं तो बोलूंगा, आपने बुलवाना बुलवाए नहीं बुलाना ना, इन पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते पॉलिटिशियनों को एक्सपोज, करो पॉलिटिशियनों को। नहीं, जाहिर सी बात है, वो जो इस जिसे कहते हैं ना, क्यों नहीं, ये सबसे बड़े, अगर मैं हूँ, अगर मैं आतंकवादी की सपोर्ट करता हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं ऐलान करता हूँ, आप पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते, करिए। तो पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा खुलासा पहली बार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। लगातार सबूतों के साथ पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, जो लगातार ये कहता है कि दाऊद वहां नहीं है, बल्कि दाऊद के घर की तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर, उसकी सुरक्षा पैकेट और पूरा परिवार पासपोर्ट की डिटेल के साथ जी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब हम आपको फैमिली ट्री दिखाते हैं, ये देखिए पहली बार टीवी पर दाऊद का पूरा परिवार है, ये देखिए 9 सदस्य हैं टोटल और ये दाऊद के पूरे परिवार का फैमिली ट्री हम देख सकते हैं। देखिए दाऊद इब्राहिम कास्कर, पत्नी महजबीन शेख, बेटा मोइन नवाज और पत्नी सानिया मोइन शेख, बेटी महरूफ जुनैद और जुनैद मियादाद उसका पति, जो कि जावेद मियादाद का बेटा है क्योंकि दाऊद इब्राहिम जावेद मियादाद का समधी है, वही महरीन बेटी है और उसका पति है औरंगजेब महमूद और माजिया शेख भी बेटी है। हमारे साथ उज्जवल निकम जुड़े हुए हैं, एमएस बिट्टा मौजूद है, हमारे साथ पीके जैन मौजूद हैं और साथ ही साथ बलजीत परमार भी मौजूद हैं। एमएस बिट्टा साहब, इससे बड़ा एक्सपोजे क्या होगा और इससे बड़ा पाकिस्तान क्या जिसे कहते हैं अपने झूठ को छुपाएगा, पहले कहता है फिर कहता नहीं है और जिन्हें सारे सबूत ला करके रख देता है, तो भारत कम से कम आपको लगता है कि इस समय सक्षम है, अगर अमेरिका बेटा बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो, मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता थे, उज्जवल निगम जी और परमार साहब और जैन साहब, इन्होंने बड़ी टेक्निकल बातें की, जो बिल्कुल अंदर की बातें थी वो पूरी देश की करोड़ों जनता को बड़े दिल से समझाई और मेरी समझ में भी बहुत कुछ पड़ा। मेरा इनसे सवाल थोड़ा सा अलग है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में गया क्यों? उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी? मैं तो पावर में रहा हूं, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं और जब ये ब्लास्ट हुआ था 93 में, मैं बॉम्बे में था, बड़ी मुश्किल से इधर उधर निकल के साइड में हुए, मैं बॉम्बे में था, पर मैंने जो राजनीति को उस वक्त के करीब से देखा, जितनी मुझे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के पावरफुल लोग दाऊद इब्राहिम से मिलते, या संजय राउत की बात कर लो, बहुत बोलता है, बहुत ड्रामे करता है, हंकारी है एक नंबर का, शिवसेना का लीडर, इसकी जब शक्ल देखते हैं ना तो जब भी मुझे दाऊद इब्राहिम लगता है। इसने कैसे कह दिया पूना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दाऊद इब्राहिम की वो शिवसेना का लीडर, उसके ऊपर भी दाग लगा दिया संजय राउत ने और कह दिया कि दाऊद इब्राहिम की शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से बात हुई थी। यह हिंदुस्तान है, यह आजाद मुल्क, लोकतंत्र मुल्क है, यह हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन इस तरीके से बकवास करेंगे दाऊद इब्राहिम के ऊपर? अरे जिसने 93 में ब्लास्ट किया, जिसने जगह जगह पे, मुझे लगता है बिट्टा साहब, ठीक है मैं माफी के साथ आपको पूछता हूँ, मुझे लगता है ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि क्योंकि इस तरीके से पर्सनल एलिगेशन, मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा हम नेशनल टेलीविजन पर उसको एंडोर्स करें, उस चीज को बढ़ावा दें, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है, जब आतंकी की बात तो नहीं करता, मैं तो बोलूंगा, आपने बुलवाना बुलवाए नहीं बुलाना ना, इन पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते पॉलिटिशियनों को एक्सपोज, करो पॉलिटिशियनों को। नहीं, जाहिर सी बात है, वो जो इस जिसे कहते हैं ना, क्यों नहीं, ये सबसे बड़े, अगर मैं हूं, अगर मैं आतंकवादी की सपोर्ट करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं ऐलान करता हूं, आप पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते, करिए। आपके साथ इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने कितने बहादुरी के काम किए होंगे, उज्जवल निगम ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी 26/11 की घटना के बाद, उज्जवल निगम ने मौत का कफन बांध करके कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, पर पॉलिटिशियन को आपको एक्सपोज करना होगा जो आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। मत कहिए मुझे कि मैंने पर्सनल एलिगेशन, मेरी क्या लड़ाई है, मैंने क्या वहां चुनाव लड़ना शिवसेना के खिलाफ? आपके पास इतने अच्छे पैनलिस्ट परमार साहब बोले, जैन साहब बोले, क्या मैं उनके ऊपर कोई उंगली की? मैंने उनसे सीखा है, पर मेरा जो अनुभव अपनी राजनीति में पावर में रह के देखा है,
बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम ले सकता हूं पर मैं नाम नहीं लूंगा, पर जो अभी की बात है पूना की, दाऊद इब्राहिम के ऊपर कहा कि बाला साहब ठाकरे से बात हुई, क्या इसको कहेंगे मैं पर्सनल एलिगेशन लगा रहा हूं? आप क्यों नहीं एक्सपोज करते? पॉलिटिशियन को पहले नंगा कीजिए हिंदुस्तान की दुनिया की जनता के सामने कि पॉलिटिशियन ऊपर से क्या है अंदर से क्या है। ठीक है रोहित चैल, ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार की भी बनती है ना, लेकिन बिट्टा साहब जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि कुछ नेक्सस ऐसा, भले वो बॉलीवुड राजनेता वो तमाम चीजें रही हैं, मैं इससे थोड़ा सा आगे इस लकीर को लेकर के जाऊं। अब जो 7 साल से सरकार है, आपको लगता है कि अब वो पॉलिटिकल विल है या हम पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं कि हाँ हम भी मोस्ट वांटेड आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? बिट्टा साहब देखो अरोड़ा साहब, मैंने जो भी बोला गलत नहीं बोला, आपने कहा अपने लफ्जों को वापस लो, मैं मर जाऊं मैं नहीं लूंगा। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। 7 साल की नहीं सुनिए, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। 7 साल की बात ले लो, मैंने क्यों कहा पिछले 7 साल के अंदर क्या पार्लियामेंट की घटना हुई, क्या 26/11 की घटना हुई, क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह में ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, बच्चे यतीम हो जाते थे, खून की नदियां बहती थी, हिंदुस्तान के हर कोने में बम गोलियां चलते थी? मेरा अरोड़ा साहब आपसे सवाल है, क्या पिछले 7 साल के अंदर दीनानगर पठानकोट की कश्मीर की घटना को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में एक ब्लास्ट एक गोली चली है तो तब बताओ? तब मैंने कहा है पहले पॉलिटिकल विल नहीं थी, और जब मेमन को फांसी होने लगी तो कौन कौन से पॉलिटिशियन और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों के एडवोकेट काले कोट पहन के आगे थे? ये जब मंत्री बन जाते हैं कानून मंत्री, तो हमारे जैसे लोगों की, उज्जवल निगम जैसे लोगों की जिंदगी मौत के सुरक्षा के फैसले करते हैं, और जब ये हट जाते हैं ये काले कोट पहन करके दाऊद के गुर्गे मेमन को फांसी से बचाते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। मेरा कहने का आपको ये मतलब था, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन पहला हो आपका हो जो आतंकवादियों से, जो स्मगलर से, जो नार्को टेररिज्म के साथ संबंधित है, उनको एक्सपोज करना होगा। अरे अधिकारी तो मौत का कफन बांध के तैयार खड़ा है। परमार साहब ने आपको विस्तार पूर्वक तरीके से किस तरीके से बताया, उज्जवल निगम ने किस तरीके से बताया, हम भी नहीं बता सकते जो उन्होंने बताया, पर क्या पुलिस अधिकारी को खुली छूट होगी कि वो नार्को टेररिज्म और आतंकवादियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके? आप बॉम्बे का केस, राजपूत का केस ले लीजिए, क्या हो रहा है, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे पॉलिटिकल टेररिज्म, जो सरकार चाहेगी किसी की हो, जो सीएम जो होम मिनिस्टर चाहेगा वहां का वो होगा, असलियत सामने। इसको कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद, इसको समाप्त करना होगा और पुलिस को खुली छूट देनी होगी, गोली का जवाब गोली, और जो पॉलिटिशियन उसमें दखल अंदाजी करे उसको भी केस में रजिस्टर किया जाए। इसको मेरा कहने का मतलब है पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है, ये राजपूत के केस में पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया कि ये तो राजनीतिक आतंकवाद है। अरे संजय रावत जी बयान देंगे, वहां के DGP बयान दे, वहां का पुलिस कमिश्नर दे, संजय रावत सरकार चलाएगा? अरे सरकार चलाओ ना, पर जहां कोई मौत आ जाए, जहां स्मगलर आ जाए, जहां नार्को टेररिज्म आ जाए, जहां बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हम पॉलिटिशियन बयान देंगे? हम तो अपने नेता को खुश करेंगे, जनाब मैं पॉलिटिशियन रहा। सर बिट्टा साहब आपने उस सेंटीमेंट को, बिट्टा साहब आपने उस सेंटीमेंट को छुआ है जो कि आम आदमी इस खबर को देखने के बाद, अब वक्त आ गया सर वो सैकड़ों पुलिस वाले, सैकड़ों पत्रकार, सैकड़ों बिट्टा साहब जैसे जो आतंकवाद से पीड़ित और लड़ने वाले लोगों को कम से कम उनका ड्यू देने का, जो पर्दे के पीछे रह के काम तो करते रहे लेकिन पॉलिटिकल विल के कारण दाऊद कंपनी आज तक भी एक्टिव रही, जिंदा रही। अब वो वक्त आ गया पॉलिटिकल विल का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।